नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की इस हफ्ते की क्या प्रमुख खबरें रही हैं, हम नॉर्थ ईस्ट डायरी में उन पर बात करते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। इस हफ्ते बहुत सारी बड़ी चीजें हुई हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो आया वो है कि केंद्र चकमा और हाजोंग को भारतीय नागरिकता देने के बारे में सोच रहा है। ऐसा बताया गया है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि चकमा और हाजोंग को जो लोग, ये एक समुदाय है जो नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है, जो ज़्यादातर जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर चकमा और हाजोंग समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं। किसी राज्य में इन्हें कोई और दर्जा मिला हुआ है, कहीं ये किसी और श्रेणी में रखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनके स्टेटस को लेकर कई बार बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। कौन है चकमा, कैसे ये हिंदुस्तान पहुंचे, क्यों इनकी सिटीजनशिप को लेकर सवाल उठते रहते हैं, क्या ये पूरा मसला है, हमें बताइए। देखिए, चकमा जो है ये बुद्धिस्ट समुदाय के हैं और हाजोंग जो है ये हिंदूज हैं। तो चकमा ओरिजिनली ये चिटागोंग हिल ट्रैक्स जो अभी बांग्लादेश में आता है उनके वहाँ के लोग हैं, और ये जो हाजोंग लोग हैं ये हिंदूज हैं, और ये आज के जो बांग्लादेश के मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। तो ये अगर आप जगह देखें चकमा और हाजोंग की जो ये सिटीजनशिप इशू आप अगर आप देखें, ये एक्चुअली एक पार्टीशन का ही एक पन्ना है अगर देखा जाए तो उसमें ये है कि जब पार्टीशन हुआ और ये दोनों जगह जब ईस्ट पाकिस्तान में आया तो उसमें बहुत सारे लोग ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए थे। ये त्रिपुरा में आ गए, मिजोरम में आ गए, असम में आ गए, तो अलग अलग जगह में ये रहने लगे, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो जितना हो सके वो आए थे। उसके बाद जो दो और बाउट इनके हुए ये आने का जो एग्जोडस उस एरिया से हुआ, वो वहाँ से फिर 1960s में जब इनके वहाँ एक कप्ताई डैम बनाया गया, डैम जो है कप्ताई डैम बनाया गया, ये ईस्ट पाकिस्तान ही था उस टाइम, बांग्लादेश नहीं था जी। तो 60s की बात है, तो बांग्लादेश तो खैर 70s में बनी। तो उस टाइम जब ये डिस्प्लेस लोग थे तो ये और थोड़ा सा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और ये सब की भी खबर आई, तो उनके बाद ये लोग फिर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए। तो वहाँ से फिर ये जो इतने भर गए हैं और बच्चों के एडमिशन, मेडिकल स्टूडेंट के एडमिशन के राय पे, वो भी चकमा ही थे जी। तो इसमें उन लोगों को एक एसटी स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन अरुणाचल में जो इनको अभी तक सिटीजनशिप का मामला चल रहा है जी। तो इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चले, ये जो जिस आधार पे मोदी सरकार ने इनको सिटीजनशिप देने का बात कही है जी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। ये ऑर्डर सितंबर 2015, 2 साल हो गए हैं इस बात को। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया कि इनको जितने भी सिटीजनशिप अभी देने बाकी है उनको आप दे के खत्म करिए, ये सेंटर को दिया गया एक डायरेक्टिव। लेकिन 2 साल से ये सरकार इस पे अमल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक लोकल जो प्रोटेस्ट, लोकल अनरेस्ट और एक लोकल एजिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है अरुणाचल में, क्योंकि आउटसाइडर इनसाइडर जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे हर चीज में ये बात बहुत आती है, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में 26 मेजर ट्राइब्स हैं, और 26 मेजर ट्राइब में ये नहीं पढ़ते, ये तो इनको बाहर के माने जाते हैं। हालांकि आप ये कहेंगे कि चकमा जो लोग जो है ये बुद्धिस्ट है और वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी तो बहुत है, बहुत है, लेकिन उसमें ये बात रिलीजियस इशू से नहीं देखा जाता है, ये इशू एथनिसिटी के हिसाब से देखा जाता है। और सो इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हमारे जो जमीन है, हमारी लैंड है, तो इसमें इनका एक हिस्सा आ गया है, और हम तो यही लोग हैं, ओरिजिनल लोग तो हम यही हैं। तो इसमें जो 90s में ऑल असम, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो आपसू कह रहे थे,
बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट बॉडी है, उनके निगरानी में एक बहुत बड़ा एजिटेशन चला. तो क्या कारण है आपसू का जो विरोध है, जैसे कल जब ये खबर आई थी कि हाँ केंद्र देगा इन्हें सिटीजनशिप देगा भारतीय, उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, जी जी, कि सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. क्या कारण है इनके विरोध का? क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये इंडिजिनस लोगों का मामला है. तो ये सोचते हैं कि हमारा इस लैंड में जो हक है, हमारे जमीनी जो हक है, तो ये उसका क्या होगा. लेकिन हालांकि कल ये सेंटर के लिए भी बहुत आसान डिसीजन नहीं रहा है, तो बहुत ही मीटिंग्स, ऑल पार्टी मीटिंग, ये सब बहुत कुछ हुआ है अरुणाचल में भी. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने बताया था कि कुछ शर्तें भी हैं कि ILP इनर लाइन परमिट को लेकर भी है, तो सिटीजनशिप पूरी कम्प्लीटली मिल रही है, ये पूरा क्या मसला है? तो ये जैसे मैंने कहा कि सेंटर ने बहुत सोच के एक फॉर्मूला निकाली है. तो इसमें ये कहा गया है कि इनको ILP दिया जाएगा, जो इनर लाइन परमिट कहते हैं. तो ये अभी भी इनर लाइन परमिट, जैसे अगर आप ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है अरुणाचल के, तो आपको इनर लाइन परमिट दिया जाता है. जैसे अरुणाचल घुसने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, और वहां बसने के लिए भी आपको लेना पड़ेगा. लेकिन इनर लाइन परमिट से आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते, कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकते. अगर आप किसी इंडिजिनस किसी पर्सन के साथ आप कोलैबोरेट करके बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इंडिविजुअली आप बाहरी होके नहीं कर सकते. तो अभी ये कहा जा रहा है कि इनको ILP दिया जाएगा, और वोट तो दे सकते हैं, और लेकिन ILP दिया जाएगा, ये लैंड नहीं खरीद पाएंगे, और कोई बिजनेस वगैरह में भी इसका मतलब सब कुछ सारा जो ILP में जितनी धाराएं है सारा आ जाएंगे. और ऊपर से ये भी है कि तो एक अलग तरीका का एक सिटीजनशिप का एक आइडिया सेंटर ने क्रिएट किया है. तो मुझे नहीं लगता कहीं और ऐसा एक सिटीजनशिप का एक ऐसा कैटेगरी क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें आप वोट तो दे सकते हैं, लेकिन अब ये राइट्स आपके नहीं है, आप कहीं और खरीद सकते हैं. हाँ. देश में कहीं और खरीद सकते हैं, लेकिन उस जगह में नहीं. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला एक तैयार करके अरुणाचल के सामने रख दिया गया है. तो उसमें लेकिन देखेंगे आपसू जो है और जो लोकल जो लोग है, ये इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से खुश नहीं है. तो मुझे ये लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू, जिनको राजनाथ सिंह ने बुलाया और इनको ये बात डिस्कशन करने के लिए परसों, तो उसमें भी मुझे उन्होंने बहुत सीधी तरह बात ये रखी भी है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है. और ये जो अगर आप अक्रॉस पार्टी लाइन है, ये जैसे आप देखेंगे कांग्रेस के जमाने में ये बहुत बार सेंट्रल लीडरशिप ने इसको सिटीजनशिप को देने का कोशिश किया है. लेकिन ये देखिए, ये जो 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, ये 90s में पहले आया है, ये दोबारा आया है. तो उसमें भी सिटीजनशिप देने के लिए कहा गया है. और ऊपर से जो आप देखेंगे बहुत सारे ह्यूमन NSRC और ये सब बहुतों ने इसमें इंटरवेंशन थे, और बहुतों ने ये बात पे कहा है. जैसे एक राज्यसभा के कमेटी था, ये जो पिटिशन कमेटी, जिसमें सुषमा स्वराज जी उसको चेयर करते थे. फिर वो राजगोपाल जो थे वो केरला के से बीजेपी का सांसद थे, तो उनके चेयरमैनशिप में भी ये कमेटी ने यही रिकमेंडेशन दिया था कि इनको सिटीजनशिप दिया जाए. लेकिन इतने साल हो गए हैं, दे नहीं पाए हैं, क्योंकि ग्राउंड में ये एक्सेप्टेंस नहीं है. तो इन्होंने ये जो कंडीशन अभी बनाया है, तो एक इस कितना आगे बढ़ पाएंगे, और कितना एक्चुअली चकमा और हजोंग को कितना एक्चुअली सिटीजनशिप के मिलने के बावजूद पे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, ये देखना पड़ेगा. लेकिन एक बात और मीनाक्षी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों का जो ये ऑपोजिशन है, उसमें जैसे मेरे जितने भी फॉर्मर लीडर्स, आपसू के लीडर्स और प्रेजेंट लीडर्स से बात हुई है, तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया रखा है. मतलब इनके तरह से भी आपको देखना पड़ेगा इस बात को, कि ये कहते हैं कि ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स में है, चकमा और हजोंग लोग जो है तीन डिस्ट्रिक्ट में बसाए गए थे. तो ये है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई और पपुमपारे. तो चांगलांग में दायुंग और बोरदुमा दो जगह है. तो दायुंग और बोरदुमा में ये जो एंसेस्ट्रल ट्राइबल लैंड को आप तो समझती होंगी कि इनके एंसेस्ट्रल लैंड होती है, इनकी कम्युनिटी के लैंड होते हैं, जो हैंड टू हैंड जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है. तो इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो ये दो जगह का मैंने नाम लिया, वो सिंगफो ट्राइब जो है, और थांगसा
थांगसक ट्राइब के इनके लैंड है, ठीक है ना। और ऊपर से नामसाई में जो जगह है चोंगखाम, चोंगखाम है खामटी लोगों का जगह, ठीक है। और ऊपर से ये पापुमपारे में जो डिस्ट्रिक्ट है कोकिला, वो निशी लोगों का है। तो ये कहते हैं कि इनकी अपनी जमीनी हक है इसमें, तो अगर वो हम जमीन दे देंगे तो फिर उनका क्या अधिकार, तो क्या अधिकारी को क्या होगा, ये कहते हैं। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि ये जो समुदाय है, जो 26 समुदाय की हम बात कर रहे हैं, ट्राइब की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे समुदाय हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो चकमा और हजोंग को आप सिटीजनशिप दे देंगे तो ये फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी बन जाएंगे अरुणाचल में। तो आगे जाके फिर अगर उनको एससी स्टेटस भी कभी मिल गया और ये इलेक्शन भी लड़ पाएंगे, तो फिर हमारे फिर इंडिजिनस पीपल के राइट्स का क्या होगा। तो इसमें भी सरकार को बहुत सेंसिटिवली, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे आपने कहा, ये आप सुने बोला सोशल अनरेस्ट है, तो ये सोशल अनरेस्ट ना हो पाए, कैसे इसको पिटिशन डाले थे कि इसका वेव कर दीजिए, क्योंकि लोग सिटीजनशिप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पास इतने पैसे भी नहीं है। तो ये ज्यादातर फार्मिंग करते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं मिलती है और कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, तो उस हिसाब से एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू तो है ही। तो इसका एक मिलजुल के एक हल निकालनी पड़ेगी। और आपसु ये भी कहते हैं कि हमें इनको सिटीजनशिप देना की देने के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन हम नहीं चाहते कि अरुणाचल में रहे, तो कहीं और जाके बसाए, सरकार बसाए, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी दोनों बात की, दोनों साइड की यही ये बात है। दूसरा एक फैसला था, एक फैसला तो ये था जिसे दो साल लग गए, एक और फैसला है जो इस साल जुलाई में आया था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में फैसला दिया था कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद जो होता है स्टेट में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो असंवैधानिक है। पर उत्तर पूर्व के कई राज्यों में अभी तक ये फैसला अमल में नहीं लाया गया है। कौन से है वो राज्य, क्या मसला है, इस बारे में बताइए। देखिए, जुलाई 26 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। ये एक पिटीशन था, 2006 का पिटीशन है। ये असम के जो एक एक्ट लाए थे इन्होंने, ये तरुण गोगोई गवर्नमेंट, ये कांग्रेस गवर्नमेंट था, कि असम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट सैलरीज अलाउंसेस एंड मिसिलिनियस प्रोविजंस एक्ट, ये एक्ट के खिलाफ एक इंडिविजुअल ने ये पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट को, कि ये लेजिस्लेचर जो है, असम के लेजिस्लेचर जो है, इनको संविधान इनको ये अलाउ नहीं करता है कि अपना एक्ट खुद बनाए। हाँ, तो इसमें फिर इतने साल लग गए और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये पोस्ट जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का जो पोस्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको रद्द किया जाए। और जो संसदीय सचिव होते हैं, शायद उनका दर्जा जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर, जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। देखिए, ये होता है कि आपकी सैलरी, आपकी जो आपको सैलरी मिलता है, आपको जितने भी अलाउंसेस मिलता है, आपको डिस्क्रिशनरी फंड्स मिलता है, ऑफिस की पब्लिक मनी से इतना कुछ स्पेंड किया जाता है, आपको गवर्नमेंट की गाड़ियां मिलते हैं, आपको पर्सनल सेक्रेटरी मिलती है, आपको ऑफिस स्पेस मिलता है, आपको मतलब जैसे आपको एक मिनिस्टर को मिलती है और उतनी सैलरी, सब कुछ जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं मिनिस्टर के हिसाब है। तो उस हिसाब से एक बात और आता है, जैसे मिनिस्टर फिर किस लिए है। जी, जैसे 90 ये फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन का, उस हिसाब से उसमें कहा गया कि 15% ही हो सकते हैं आपके मिनिस्टर्स पूरे हाउस का जितना स्ट्रेंथ होगा। अगर 60 मेंबर का हाउस है तो उस हिसाब का 15% ही आप मिनिस्टर बना सकते हैं। तो फिर ये होता है कि ये एक टूल बन गया है, ये एक ऐसा एक टूल बन गया है पॉलिटिकल अपीजमेंट का, कि आप इनको मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं तो आप इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दीजिए, क्योंकि फिर इनको सुविधाएं तो सारे वही मिलेंगे, लेकिन सबको अपीज करना है, सबको अपीज करना है, और डिफेक्शन से बचाएगा पार्टी स्टेट को, ये गवर्नमेंट जो है इनको स्टेबल बनाएगा। तो इससे आप मतलब खाली कांग्रेस ही नहीं है, ये सारे पार्टीज ने इस बात को इस्तेमाल किया है अच्छी तरह। आपको भी, आपका जो ये दिल्ली में था आम आदमी पार्टी का, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की, जिसका और बीजेपी ने इसको बहुत अपोज किया, और आप जाके आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है। जी, नागालैंड में सबसे ज्यादा है शायद, नहीं नागालैंड नहीं, अरुणाचल में है सबसे ज्यादा, 31 अरुणाचल में है, जो बीजेपी का सरकार है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आपके खिलाफ इन्होंने एक बहुत अच्छा
एक कदम उठाया था कि ये अनकंस्टिट्यूशनल पोजीशन है और इसको पब्लिक मनी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पावर में आते हैं आप वही टूल आप खुद इस्तेमाल करते हैं। तो ये अरुणाचल में सबसे ज्यादा है, 31 है और अभी भी है। ये जुलाई 26 को ही, आप याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आ चुका है। फिर नागालैंड में हाल ही में ये जुलाई में जो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, बीजेपी के निगरानी में ही गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है और बीजेपी गवर्नमेंट का पार्ट है, उसमें भी 26 मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, तो इनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी अभी भी चल रहे हैं। और मेघालय में कांग्रेस गवर्नमेंट है, उनके भी 18 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, वो भी चल रहे हैं। मणिपुर में 12 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे, 7 को अभी इन्होंने हटाया है ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से पहले कुछ और बात के लिए। तो ये इनके हाउस कमिटीज बनाए गए हैं और कहे गए हैं कि पार्टी का नया रूल है, अगर हाउस कमिटी का मेंबर है आप तो आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बन रहे हैं। तो इनका मतलब है एक अपीजमेंट हुई है कि आप में यहाँ अगर आपको यहाँ एकोमोडेट किया है तो आप ये नहीं ले सकते। तो ये है, और एक ही स्टेट है ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक अमल किए हैं, वो है कांग्रेस का ही सरकार है, ये मिजोरम में जो 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे इन्होंने ये अगस्त एंड में रेजिग्नेशन दे दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये सिक्किम का तो एक अजीब ही कहानी है। सिक्किम में ये 25 अगस्त को सुप्रीम इनके सिक्किम हाईकोर्ट जो है, तो हाईकोर्ट ने इनको ये जितने भी 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं इनके, उनको अनकंस्टिट्यूशनल बताया। तो इसका मतलब है कि तुरंत स्टेट गवर्नमेंट जो इनकी इनको इनकी रेजिग्नेशन डिमांड करनी चाहिए। लेकिन आज इतने दिन हो गए हैं, बस एक ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने, वो भी अपने ही मन से, इन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट किया है चीफ मिनिस्टर को, लेकिन अभी तक और किसी ने 10 जने अभी भी है। किसी भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, ना ही उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर कोई अमल किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना। और एक और बात, इसमें कोर्ट केसेस भी चले हैं। जब भी देखिए आप, जैसे नागालैंड में जब हमारी बात हुई बीजेपी के और एनपीएफ के जो रूलिंग पार्टीज है उनके लीडर्स से, उन्होंने कहा कि हमारे आर्टिकल 371 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो सेपरेट रूल्स नागालैंड बना सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं, उसके तहत आता है, तो इसलिए हम इनको रखेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, इन्होंने दो और आर्टिकल जो 7 शेड्यूल और ये सब को इन्होंने कोट किया है, आर्टिकल 187, आर्टिकल 194(3) कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत ये बात आती है। तो ये एक्चुअली 371 के अंदर नहीं आती है। जैसे आर्टिकल 371 जो है वो कस्टमरी लॉज वगैरह जो नागा सोसाइटी के हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अभी एक केस चल रहा है, इन्होंने एक पिटीशन डाले है ये नागा ट्राइब्स काउंसिल ने, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है, तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा अभी कि ये इसमें आर्टिकल 371 के अंदर आते हैं कि नहीं आते। और एक और केस हाईकोर्ट का चल रहा है, जो मेघालय हाईकोर्ट में एक और पिटीशन दाखिल हुई है ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हटाने के लिए। मणिपुर में भी एक केस चल रहा है। तो ये जब हाईकोर्ट जब तक नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है ये अपने आप से, जब तक सभी सरकारों का सही तरीके से घेराव नहीं किया जाएगा तब तक शायद वो इस फैसले को अमल में, यही लग रहा है मुझे। इसके अलावा जो खबर हमारे पास है वो है जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है उस पे कटीले तार, उस पे फेंसिंग की जा रही है, बाड़ लगाई जा रही है। तो इस बाड़ लगाए जाने के काम की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी क्यों गठित की गई है, क्या है इसको गठित करने की क्या जरूरत थी, हमें क्या है ये पूरा मसला और इसको कौन हेड करेगा? तो ये 2015 में देखिए एक बहुत सारे पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट एक ये सुन रही है कई साल से, ये जो असम अकॉर्ड को लेते हुए उसके रिलेटेड, असम अकॉर्ड में ये भी था कि अगर अब जो 1985 में साइन हुई थी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो स्टूडेंट्स बॉडीज के साथ, जिसके तहत एजुकेशन खत्म हुआ, स्टूडेंट एजुकेशन जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आए थे उनके खिलाफ जो एजुकेशन था वो खत्म हुआ था असम अकॉर्ड। तो असम अकॉर्ड में ये कहा गया कि जो आपका इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो आप फेंसिंग करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि पोरस बॉर्डर, ये कभी भी आ जाते हैं तो उसमें ये बॉर्डर को फेंसिंग होगी। तो और बहुत सारी चीजें और भी है, तो इसमें बहुत सारे एफिडेविट अभी बहुत सारे पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे। तो ये एक जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर एफ नरीमान के वो सुन रहे हैं, बेंच में सुन रहे हैं।
बहुत दिन से हो रहा है ये, तो उसमें 2015 में स्टेट और सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट मतलब असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों रिपोर्ट मांगे थे सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर रिपोर्ट जो अब ये रिपोर्ट जो बॉर्डर की निगरानी पे रिपोर्ट था, जो भी रिपोर्ट आया तो उनको बहुत वो उन्होंने बहुत डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया और कहे कि इसमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने फिर सजेशन किया कि एक कमिटी बनाई जाए इसमें, और जिस कमिटी ये इसको ओवरसी करेंगे, ये जो फेंसिंग का काम और काम चल रहा है इसका निगरानी होगा, तो ये जो अभी काम देखिए हालांकि शुरू चल रहा है ये फेंसिंग का काम, तो ये काम वो देखेंगे। तो इन्होंने सितंबर 12 में ये जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे और जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट के भी रहे हैं एमएचए में, जी के पिल्लाई, वो रिटायर्ड है, तो उनको हेड करके एक कमेटी बनाया गया, और उसमें फॉर्मर डीजीपी है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डी के पाठक साहब, और एक और फॉर्मर प्रोफेसर है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अब्दुल मन्नान, इन तीनों को मिला के एक कमेटी बैठाई थी कि इस कमेटी ये इसकी जब निगरानी करेंगे, लेकिन ये लेकिन अभी आया है कि एमएचए ने अपोज किया है जीके पिल्लाई के नाम को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक और नाम अलग से आप अपनी सजेस्ट करें, तो उन्होंने ए के मंगोत्रा का नाम सजेस्ट किया है, ये जो ये भी फॉर्मर सेक्रेटरी ही रहे हैं, ये बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं और रिटायर है, तो उनको सितंबर 14 को सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि यही हेड करेंगे, और बाकी दो जो मैंने बताया पाठक साहब और मन्नान साहब वो दोनों होंगे। तो इनका काम मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि काम क्या होगा, इनका काम ये है कि ये एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि कैसे आगे क्या बढ़ रहा है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं है, और ऊपर से एक टाइम फ्रेम भी डिसाइड किया जाएगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये फेंसिंग जो है ये काम खत्म होगा, इनको फर्स्ट रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, ये सारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा, और ये खाली डायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट का काम नहीं है, सेंटर का और स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी रखेंगे, तो इसलिए ये कमिटी के थ्रू ही ये सब कुछ होगा। और ऊपर से ये है कि कुछ एरियाज देखिए ये बहुत एकदम खाली लैंड फेंसिंग नहीं है, लैंड फेंसिंग कुछ जगह में है, कुछ जगह में नदियां हैं, तो ये अगर नदी है तो ये नदी को आप कैसे फेंसिंग करेंगे, पानी है, तो वो सब बहुत कुछ और बहुत कुछ एक डिटेल थिंकिंग और डिटेल थॉट प्रोसेस की जरूरत है, एक योजना बनाने की जरूरत है, जिसको आप एक्शन प्लान की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट वो बात करेंगे, फिर टाइम फ्रेम देंगे, तो ये सारा काम ये कमिटी करेगी, तो इसलिए एक बहुत जरूरी डिसीजन, बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। हालांकि आज के जो पेपर्स आप देखेंगे असम में ये सुर्खियों में है, और मेन न्यूज है, मेन खबर यही है कि ये होने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरी में इस हफ्ते इतना ही, हम बाकी खबरों के लिए हर हफ्ते की तरह आपसे जुड़े रहेंगे। संगीता जी शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।